सांसद वगैरह जो है वो किसानों के घर से मुझे लगते नहीं। अगर वो होते तो जितने शहीदी हुई है इस आंदोलन में किसी ने नमन नहीं किया। धन्यवाद जी। आपने अभी एक बस वगैरह भी हटाई थी? मैंने नहीं हटाई, बिल्कुल तोड़फोड़ नहीं हुई, बस हटाई नहीं है। बस की खिड़की खुली हुई थी और उन्होंने वो खिड़की मैंने बंद करते हुए उनको देखा, जितना मैंने देखा उतना मैं बोलूंगी। और दूसरी बात, अगर बस हटती तो वहाँ खड़ी ना होती। आप ऊपर कैमरा लगा के देखो, बस वहीं खड़ी है, देखो ऊपर करके कैमरा, क्या लगता है? देखिए वो खड़ी वगैरह लगा के रोका जा रहा है, यही रोका जा रहा है। अभी समझ रहा, तानाशाही चल रही देश में, तानाशाही चल रही देश में। मोदी के खिलाफ है, सरकार काले कानूनों के खिलाफ है या पार्टी के खिलाफ? काले कानूनों के खिलाफ है। तो काला कानून भी तो पार्टी ने लागू करवाया ना। अकेली पार्टी, दल कोई बुरा नहीं होता, दल में लोग बुरे होते हैं। जिन जिन लोगों ने कानून बनाया ना, बैठ कर 3 दिन में पास करो, उन लोगों के खिलाफ है। जिन जिन लोगों ने कानून पास करा, जो लोग इस कानून का समर्थन करते हैं, देश का अन्नदाता का निकटता, उनके खिलाफ है, कानूनों के खिलाफ है। भैया तुम्हें पता होगी, ज्यादा समझदार हो। तो क्या लग रहा है अभी जो है तोमर जी ने तो बोला कोई अदृश्य शक्ति जो है इन लोगों को? वो अदृश्य शक्ति जो है ईश्वर की है, परमात्मा की है, सबको पता है। देश का अन्नदाता ईश्वर से दूसरे नाम पे आता है, ईश्वर के बाद अन्नदाता को मानते हैं परमात्मा। तो वो अदृश्य शक्ति जो है परमात्मा की है, ईश्वर की है। अब इन्हें दिख गई तो इन्हें समझना चाहिए कि ईश्वर परमात्मा उनके साथ है। तो अभी समझ में आएगा क्या? ना आएगा कोई बात ना, चलता रहेगा, बिल्कुल संघर्ष जारी। कितने दिन तक आप और रहेंगे यहाँ? जितने दिन तक काले कानून रद्द नहीं होगे मैं रहूंगी यहाँ। तुम्हें किसी को जाना हो तुम चले जी, हम तो यही है, लेकिन अनुरोध करते हैं इतने दिन से बने हुए। एक बात बताओ, यहाँ तक किसान आए तो क्या यहाँ से वापस काय बुझाएंगे? बस यही रहोगे? काय बुझाएंगे, काय करेंगे यहाँ? जहाँ जाने को आए पहले तो वहाँ जाएंगे, जितने आगे बढ़ोगे वहीं तक रहोगे? अरे भैया जहाँ जाने को आए समझा, कहाँ जाने को आए? प्रशासन ने क्या ये दोहरा मापदंड नहीं अपनाया? जय किसान जय जवान की बात करते हैं और किसानों को जवानों से ही लड़ाने का काम कर रहे हैं। देखिए शासन ने दबाव बनाया प्रशासन पे, प्रशासन वाले मेरे भाई बड़े मजबूर हैं इस टाइम, वो दुविधा में हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन हम उनकी बात को समझते हैं। ये लोग किसी की बात को नहीं समझते, सत्ताधारी, हम समझते हैं, अन्नदाता समझता है, देश की जनता समझती है, क्योंकि वो हम में से जा रहे हैं, उद्योगपतियों में से नहीं है, सारे के सारे बेचारे फैमिली वाले हैं, परिवार वाले हैं, किसान परिवार से, हम समझते हैं, इसलिए हम उनको सहयोग नहीं आए हैं अभी तक आपके समर्थन में, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? जो लोग घर से नहीं आए हैं बड़ा धन्यवाद, आप लोग वहीं से बैठ के जो अपना काम कर रहे हैं उसको कंटिन्यू रखिएगा। और जो लोग इस बिल के समर्थन में हैं आप भी ध्यान रखिएगा कि जो लोग अन्न खाते हैं वो इस आंदोलन में सहयोग करें, बाकी लोगों से हमारा मतलब नहीं है, बाकी लोगों से मिलना ही नहीं चाहते। कुछ चैनलों पे अभी भी चल रहा है कि ये लोग जो है मतलब कि देश विरोधी गतिविधियां। भैया पूनम पंडित कहीं देखी आपने देश विरोध करती हुई? पूनम पंडित को देखा किसी राजनीति को सपोर्ट करते हुए? पूनम पंडित को कभी देखा मोदी सरकार को विपक्ष में बैठे हुए उसके? देखा नहीं देखा, कब आई? पूनम पंडित को कौन जानता है, किस लिए जानता है? किसान आंदोलन। तो पूनम जी क्या आप किसान आंदोलन के बाद इलेक्शन फाइट में आएंगे? बिल्कुल नहीं, हम आएंगे चाहिए या नहीं? देखिए इन लोगों का जो सहयोग है, जे कहेंगे ट्रैक्टर में बैठो तो हम ट्रैक्टर में बैठेंगे, जे सभी लोग कहेंगे कि वहाँ बैठो तो वहाँ बैठेंगे, लेकिन मेरे खुद की जो मनसा है, मेरी मनसा है कि मैं युवाओं के अधिकार के लिए लड़ूं, किसानों के अधिकार के लिए लड़ूं, महिलाओं पे जो अत्याचार हो रहा है उस पे लड़ूं। लड़ने के लिए आप अगर पार्लियामेंट में बैठेंगे तो आपकी आवाज और ज्यादा तीव्र तरीके से जाएगी? ये किसान आंदोलन है, इसको समर्थन करने आए, किसी पार्टी के तलवे चाटने नहीं आए, किसी पार्टी के तलवे चाटने में पसंद नहीं करती। लेकिन एक बात सच है कि दल कोई बुरा नहीं होता, इन लोगों का दल बनवाएंगे, इनका बनवाएंगे, इनका बुरा नहीं होता। बीजेपी आपको अगर हमारी अगर भी भैया बीजेपी के तो मैं पीएम भी ना बननी पसंद करूं आज के दौर में, क्योंकि वो इनका परेशानी नहीं समझ रही है। अगर बीजेपी सरकार मुझे पीएम बनावे, माननीय मोदी जी के पद पर बिठावे जब नहीं बैठूं, ठीक है, अगर वो मुझे चपरासी बनावे और अपनी सड़क साफ करवावे ना, तो मैं करने को तैयार हूं, सिर्फ एक शर्त पे कि ये किसान घर चले जाए, मैं इनका समर्थन जो है कर दे, मैं बोलो काले कानून रद्द हो जाए। क्या लगता है कि वो आपको पीएम बनाएंगे या ना बनाएंगे? उन्हें पता है बैठते ही क्या बोलते हैं, देश का उद्धार कर देगी, हमारा नाश कर देगी, सब पता हो। तो उद्धार करने के लिए आपको पार्लियामेंट में आना चाहिए फिर? तुम बताओ आना चाहिए? ये हल वाले हैं, ये ट्रैक्टर वाले हैं, इन्हें आना चाहिए? नहीं होना चाहिए? देखिए ये हल वाले मेरे भाई, ये एमपी बनेंगे, ट्रैक्टर वाले एमएलए बनेंगे, ठीक, ये गाँव के सरपंच भाई जो भी जितने भी इनमें सुबह उठावेंगे, अब समझ लो अभी से ही, ठीक, मेरा बैठना ज्यादा जरूरी ना, सच का बैठना जरूरी है, चाहे कोई भी हो, सभी बिठावेंगे। सांसद हैं वो तो नहीं बोल रहे किसानों के घरों से, उसमें 70% तो है भैया, 70% किसानों के घर से है ना हम यहाँ, या वो सांसद वगैरह जो है वो किसानों के घर से मुझे लगते नहीं। अगर वो होते तो जितने शहीदी हुई है इस आंदोलन में किसी ने नमन नहीं किया।